मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। आज है 11 अगस्त 2019। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री आशीष पंचाल जी का, जिन्होंने हमारी इंट्रो वीडियो क्लिप बनाकर हमें दी। आज आप देखेंगे कि इस वीडियो के शुरू में ही एक क्लिप आई है और इसका जो सारा श्रेय जाता है वो श्री आशीष पंचाल जी को जाता है, जो हमारे अमेजिंग किसान ग्रुप के सदस्य हैं, गुजरात से हैं। धन्यवाद आशीष। आज उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैंने 3 या 4 जून को अपने बाग की दूसरी कटिंग की। ये वही पौधे हैं जिनकी मैंने 3-4 जून को कटिंग की थी। ये देखिए, एक मेरे इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो मेरा बाग है ये 20 से 22 जून 2018 को हमने लगाया था और इसे लगभग 20 तारीख को, अभी 20 अगस्त को 14 माह हो जाए। इसकी मैंने 2 बार कटिंग की है। एक की थी फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी वीडियो आपको दिखाई थी। जब मैंने कटिंग की थी तो भरपूर फूल आए थे, बाग छोटा था, मैंने सभी फूल तोड़वा दिए थे। दूसरी कटिंग की थी 3 या 4 जून को, ये सोच कर के इसमें अब सर्दी की फसल आई। यहाँ पर थोड़ी हमारे से गलती हुई है, मैं उस गलती को साझा करूँगा और जिन भाइयों ने इसे देखकर अपनी कटिंग की थी और अगर उनके फूल या फल कम आए हैं या नहीं आए हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने जब इस पर पूरा अनुसंधान किया और देखा तो मुझे पता चला कि क्या गलतियाँ हुई थी, गलती थी भी और नहीं थी, मैं उसका पूरा विश्लेषण करूंगा और आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। कुछ पौधों पर फूल आए हैं, कुछ पर नहीं आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, इस सब की चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि सर्दियों की फसल लेने के लिए इन पर क्यों इतनी मात्रा में फूल नहीं आए। मैं इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। चलिए आज आपको दिखाते हैं पहले इसमें कि ये कौन सा है। ये देखिए, ये जो पौधा है, ये एक ये पौधा देखिए, इस पर ये भरपूर फल आए हुए हैं। ये देखिए ये फल आए हुए हैं, ये देखिए ये कितने फल आए हुए हैं इस पर। ये देखिए इस पर, देखिए ये कितने फल आए हुए हैं। ये देखिए इस पर, देखिए ये कितने फल आए हुए हैं। इस पौधे पर देखिए, इस पौधे पर कोई भी फल नहीं है। इधर ला, कीड़े आ जाते हैं। इस पौधे पर देखे ध्यान से, इस पर कोई भी फल नहीं। ये देखिए इधर, इस पौधे पर देखिए, इस पर भी फल आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए इस पौधे पर देखिए, ये छोटा है, इस पर फल आए हुए हैं। ये देखिए कितने फल आए। अब मैं आपको इन पौधों की पहचान कराता हूं। आइए, ये देखिए इस पौधे पर कोई भी फल नहीं है। ये पौधा आपका जो है ये ललित है, ये ललित है। इसकी पत्तियां ध्यान से देखिए, ये थोड़ी नुकीलेपन पर है और ये ललित का पौधा है। ये देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ। इस ललित के पौधे पर कोई भी फल नहीं है। ये पौधा देखिए, ये थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ बड़ी हैं और ये गोल सी हैं। ये बर्फ खान का पौधा, ये बर्फ खान है। ये आपके पीछे देखिए, ये बर्फ खान का पौधा। देखिए यहाँ से हमने, यहाँ से कटिंग की थी। ये देखिए ये वाली कटिंग की थी हमने, यहाँ से ये कटिंग की थी और इसमें लगभग ये 2.5 फुट की ये जो है ना शाखाएं, देखिए कितनी शाखाएं, कितनी अच्छी कैनोपी का रूप है। अब इसे हम ध्यान से देखेंगे नीचे आइए, तो ये देखिए ये इस पर एक फल ये यहाँ पर है। ये देखिए एक फल यहाँ पर है, ये आया है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जो पुरानी शाखा थी उस पर कोई फल नहीं आया, जो पुरानी शाखा से नई शाखा निकली है सिर्फ उन पर फल आए हैं। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई फल नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं है। ये बर्फ खान का पेड़ है, इस पर कोई फल नहीं है। ये देखिए ये ललित का पेड़ है और इस पर कितने फल आए हुए हैं। ये देखिए ये सब फल आए हुए हैं।
इस पर कितने फल आए। है इस पर कोई भी फल मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई फल नजर नहीं आ रहा। ये ललित का पेड़ है, देखिए इस पर कितने फल है। ये देखिए फल आए, ये अभी मटर के दाने से लगभग दुगने बन गए हैं। ये ललित का पेड़ है, देखिए कितने फल आए, ये देखिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो वैरायटी है बर्फ खान और ललित, बर्फ खान पर न के बराबर है, एक दो पेड़ पर है, क्यों नहीं आया मैं नहीं कह सकता, मैंने एक जो अनुसंधान किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और ललित पर भरपूर फल आया, ये ललित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक मेरी वैरायटी है इसमें आगे जी विलास है, इसमें आगे है जी विलास पर भी न के बराबर फल है। अब ये क्यों नहीं आए हैं, जब मैंने इस पर चर्चा की अपने ग्रुप में की, मेरे जो हमारी जो सलाहकार हैं एक बहुत एक्सपर्ट हैं जैन साहब, मैंने उनसे चर्चा की, मेरे पौधे छोटे थे और मैंने कटिंग फरवरी में की थी, इसलिए मुझे जून में कटिंग करनी जरूरी थी। लेकिन अगर आप सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं तो फरवरी से आपको पौधे में पानी बंद कर देना पड़ेगा। अगर आपके दो वर्ष से बड़े पौधे हैं तो फरवरी में आपको पानी बंद कर देना पड़ेगा। जब फरवरी मार्च अप्रैल तीन महीनों में पानी नहीं आएगा तो पौधा अपनी डोरमेंट सीजन में चला जाएगा, यानी सुसुप्ता अवस्था में चला जाएगा। जितना भी भोजन पौधा लेगा वो सब उसके तनों और उसकी टहनियों में संग्रहित हो जाएगा, यानी इकट्ठा होगा, तना मजबूत होगा और उसके पत्ते झड़ने लगेंगे। इसे हम पतझड़ बोलते हैं और ये अगली फसल लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मेन कारण, जो मुख्य कारण है, वो हमारे बाग में कम फल आने का यही है। 20 अप्रैल को आपको जो ये डंडियां हैं इनकी लगभग दो दो फीट पर या डेढ़ फीट पर कटिंग कर दीजिए, ऊपर से 6-6 इंच कटिंग कर दीजिए। ध्यान रहे, यहाँ दो चीजों का बहुत ध्यान रखना। फरवरी में कटिंग के बाद हमने सारे पत्ते हटा दिए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, नए कल्ले निकलते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गर्मियों में अगर आप पत्ते हटाएंगे 20 अप्रैल को, गर्मी बहुत होती है, जो नए कल्ले निकलेंगे वो धूप में झुलस जाएंगे और वो काले पड़कर गिर जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आपको अगर सर्दी की फसल लेनी है तो फरवरी से पानी बंद करना पड़ेगा, कुछ नहीं देना है, और आपको 20 अप्रैल को इसकी कटिंग कर इसके चारों तरफ गुड़ाई करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले बताई थी। गुड़ाई उसी प्रकार होगी, थोड़ी जगह छोड़कर और जितनी पौधे की घेरा है, जितनी उसकी छाया है, उतनी दूर में पौधे की उम्र के हिसाब से उसकी चारों तरफ गहरी खुदाई कर दीजिए। खुदाई करके उसमें जो है ना छोड़ दीजिए, कटिंग कर दी आपने, खुदाई कर दी आपके, उसमें फिर मई के एंड में पानी लगा दीजिए, जब पहली बारिश हो जाए खाद डाल दीजिए तो भरपूर फसल आए। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो फरवरी में फूल आते हैं, फरवरी की कटिंग के बाद फूल आते हैं, और जो आपकी ये अप्रैल या मई की कटिंग के बाद जो फूल आते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। अगर वहाँ 100 फूल आएंगे फरवरी की कटिंग में, तो यहाँ पर 60-70 मैक्सिमम, 50% भी हो सकता है, क्योंकि ये फूल अधिकतर पौधे पर रह जाते हैं। जो फरवरी में फूल आते हैं उनमें से 10-25% तक फूल गिर जाते हैं। अगर वो सारे फूल रुक जाए तो पौधा आपका फलों से भर जाए। तो ये दो चीजें आपको खुद ध्यान। तो किसान भाइयों, अब मेरा बाग जो है ना, चूंकि मुझे 3 या 4 जून को कटिंग करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं इनको सेप लाना था, अब देखिए मेरी कैनोपी कितनी अच्छी बन गई। अब जब मैं अगले साल इसकी कटिंग करूंगा तो मैं देखूंगा इसमें कि मुझे बरसात की फसल लेनी है तो मैं इसकी कटिंग फरवरी में करूंगा, अगर मुझे इसमें सर्दियों की फसल लेनी होगी तो मैं इसकी कटिंग जो है 20 अप्रैल को कर दूंगा और फिर मैं खाद पानी का प्रबंध करूँ। तो जितनी भी वीडियो मैंने देखी थी, मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया था वीडियो ने, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, छत्रक प्रबंधन, आप सब देखिए, बिहार एग्रीकल्चर डॉक्टर ममता हैं, उसमें जो चश्मा लगाए हुए हैं और वो एक्सप्लेन कर लिए हैं। लेकिन
उसमें थोड़ी यही समस्या थी कि वो वीडियो सर्दियों बरसात की फसल के लिए थी, उसका सर्दियों में प्रबंधन किया गया, यानी फरवरी जनवरी में प्रबंधन किया गया। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो ये चीज बताए जो मैंने आज आपको बताई है। अगर आप सहमत हैं तो अपने कमेंट करिए। जब कोई काम करता है, जो काम करता है गलती भी उसी से होती है, संपूर्ण कोई नहीं होता है। क्योंकि मैं पहली बार इस काम को कर रहा था और मैंने ये सोचकर कि भाई मई जून में कटिंग होती है, क्योंकि मुझे मई जून में इसलिए करनी थी कि मेरे पौधे छोटे थे, अब मेरे पौधे बड़े हो गए हैं और मैं इनकी 20 अप्रैल को अगली बार कटिंग करूंगा और फरवरी से इनमें पानी बंद कर दूंगा अगर मुझे सर्दियों की फसल लेनी। अगर मुझे बरसात की फसल लेनी है तो मैं फरवरी के पहले सप्ताह में कटिंग करूंगा और ये बताऊं। तो किसान भाइयों, बहुत मेरे पास सवाल आ रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आई है और क्या हुआ उनका। कुछ लोगों ने मुझे ये भी शिकायत की थी, कुछ बहनों ने भी ये बताया था जिन्होंने घर में अपने अमरूद के पेड़ लगाए हुए हैं कि जी हमने तो कटिंग की थी और उसमें कोई भी फल नहीं आया। तो कारण यही है कि कटिंग में देर हो गई थी, इसलिए ये फल नहीं आ सके। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताइए, इसकी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। एक बात अंत में मैं और कहना चाहूँगा, अभी भी कुछ भाई पुरानी वीडियो देखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का निवेदन करते हैं। मैं उनसे बताऊंगा कि मेरा अभी इस वीडियो से जो पहली से पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया है अमेजिंग किसान टेलीग्राम ग्रुप पर आप कैसे जुड़ सकते हैं। आप वहां पर जाइए और मुझे इस प्रकार नहीं। किसान भाइयों, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, टेलीग्राम पर भी आते हैं और फोन कॉल भी आते हैं, सबको अटेंड करना बहुत अच्छी है। कुछ प्रश्न हैं जो आप कमेंट्स में लिखकर पूछते हैं वो मैं वहां कमेंट में इतनी देर तक नहीं लिख सकता। तीसरी बात एक ये है कि अभी मैं 30 सितंबर को रिटायर हूंगा, उसके बाद आप कभी भी फोन करिए, लेकिन वर्किंग डे में यानी सोमवार से शुक्रवार तक आप सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्लीज मुझे फोन मत करिए। आप शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक फोन कर लीजिए, सुबह को 7 बजे से 8 बजे तक फोन कर लीजिए, मैं आपके फोन के उत्तर दूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।